नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड के वास्तुकला के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो झारखंड के प्राचीन वास्तुकला है, प्राचीन भवन है, वो कौन कौन से स्थान पर हैं और किसके द्वारा उनका निर्माण किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पलामू ज़िले में। पलामू ज़िला दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक है और यहाँ पर बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर अपना शासन किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन भवन पाए जाते हैं, तो उनमें से एक प्रमुख है शाहपुर चांदनी। दोस्तों, ये जो शाहपुर चांदनी है, ये दक्षिणी कोयल नदी के किनारे पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है? पलामू में, इसको याद रखिएगा। और शाहपुर चांदनी जो है, ये गोपाल राय के द्वारा बनाया गया था 1722 ईस्वी में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी पॉइंट, तो सबको ध्यान से सुनिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है विश्रामपुर का किला। दोस्तों, विश्रामपुर का जो किला है, ये भी पलामू ज़िले में ही स्थित है और इसको बनाया गया है चेरोवंशी राजाओं के द्वारा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है रोहिल्ला का किला। दोस्तों, रोहिल्ला का किला भी पलामू ज़िले में स्थित है और ये मुजफ्फर खां के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, रोहिल्ला का जो किला है, इसकी एक खास विशेषता क्या है? ये इसका जो आकार है, ये त्रिभुजाकार है और ये मुजफ्फर खान के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है चैनपुर महल। चैनपुर का जो महल है, वो पुरनमल के वंशजों के द्वारा बनाया गया था। तो पलामू में ये जो महत्वपूर्ण भवन है और किले हैं, इनको जरूर याद रखिए। शाहपुर चांदनी, विश्रामपुर का किला, रोहिल्ला का किला, चैनपुर महल। और शाहपुर चांदनी गोपाल राय के द्वारा बनाया गया था और रोहिल्ला का किला मुजफ्फर खान के द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है लातेहार जिला का देखते हैं। तो लातेहार जिला में एक है नारायणपुर का किला। नारायणपुर का किला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नारायणपुर का जो किला है, ये जाज दास के द्वारा बनाया गया था। जाज दास, और कहाँ पर स्थित है? लातेहार जिला में। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है पलामू किला। दोस्तों, पलामू किला में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसके नाम में कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे नाम है पलामू किला, लेकिन यह स्थित है लातेहार जिला में। पलामू किला कहाँ अवस्थित है? लातेहार जिला में। तो पलामू किला, इसमें दो किले हैं, एक है पुराना किला और एक है नया किला। पुराना जो किला है, ये प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था और नया किला मेदनी राय के द्वारा। और प्रताप राय जो थे शासक, ये मुगल शासक शाहजहां के समकक्ष थे, समकालीन थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चतरा में। चतरा में दोस्तों एक पाया जाता है कुंडा का किला। कुंडा का किला कहाँ पाया जाता है? चतरा में। उसके बाद नेक्स्ट है हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला में बादम का किला पाया जाता है। बादम का किला हेमंत सिंह के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद है पद्मा का किला। दोस्तों, पद्मा का किला भी हजारीबाग जिले में पाया जाता है। बादम का किला और पद्मा का किला हजारीबाग में पाया जाता है। और बादम का किला और पद्मा किला हजारीबाग में अवस्थित है। और जो पद्मा का किला है, ये इसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। इसको याद रखिएगा, जो पद्मा किला है, उसमें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है झारखंड पुलिस के जवानों को। तो इसको याद रखिएगा पद्मा का किला के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं झारखंड के का जो पूर्वी हिस्सा है, उसमें साहेबगंज जिला है। और साहेबगंज जिला में एक है तेलियागढ़। तेलियागढ़ ये कहाँ पर स्थित है? राजमहल पहाड़ी के सामने स्थित है और इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तेलियागढ़ जो है, इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये राजमहल पहाड़ी के समीप स्थित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हजारीबाग के बाद धनबाद जिले में। दोस्तों, धनबाद जिले में है पंचकोट का किला और झरियागढ़। पंचकोट का किला किसके द्वारा बनाया गया है? गौमुखी के द्वारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पंचकोट का जो किला है, वो गौमुखी के द्वारा
निर्माण किया गया था। और इसके अलावा धनबाद में झरियागढ़ भी पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला में रामगढ़ का किला पाया जाता है। रामगढ़ का किला अवस्थित है और रामगढ़ का जो किला है ये सबल राय के द्वारा बनाया गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रांची जिला। दोस्तों रांची जिला में पालकोट का राजमहल स्थित है और ये यदुनाथ शाह के द्वारा निर्माण किया गया था, पालकोट का किला। उसके बाद नेक्स्ट है खूंटी जिला। खूंटी जिला में स्थित है तिलमी का किला, इसको याद रखिएगा, तिलमी का किला। और ये अकबर नामक एक नागवंशी शासक के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों ये मुगल बादशाह अकबर नहीं थे बल्कि एक नागवंशी शासक थे, उनका नाम अकबर था और अकबर के द्वारा तिलमी का किला बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला में चक्रधरपुर की राजवाड़ी एक महत्वपूर्ण वास्तुकला है, चक्रधरपुर की राजवाड़ी, और ये नरपति सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जगन्नाथपुर का किला। दोस्तों जगन्नाथपुर का किला जगन्नाथ सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। और थर्ड में है जैतपुर का किला। जैतपुर का किला पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। जैतपुर का किला काला अर्जुन सिंह के द्वारा निर्मित था। उसके बाद हम देखते हैं और गुमला जिले की ओर। गुमला जिला झारखंड का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें स्थित है नवरत्नगढ़ या दोईसागढ़। और इसको क्या कहा जाता है, दुर्जनशाल। नवरत्नगढ़ का जो किला है वो दुर्जनशाल के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण भवन है नागफेनी का राजमहल। नागफेनी का राजमहल गुमला में स्थित है और नवरत्नगढ़ का किला गुमला में स्थित है। तो दोस्तों ये थे झारखंड के वास्तुकला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और दोस्तों इनमें आपको क्या याद रखना है, इसके जो निर्माता है उसका नाम और कौन से जगह पर स्थित है, ये सब आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।